साथी कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनीज जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि के। और ये जो ट्रेनीज हैं 629 ट्रेनीज, इनको इनके ट्रेनर्स ने बीएसएफ की ड्यूटीज़ में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें पीटी, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, वेपन, उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अब ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके जो बीएसएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठ रहे हैं उनको बड़े अच्छे से निभाएंगे। सर, ओवरऑल सिचुएशन के बारे में अगर थोड़ा बता दे तो जो उत्पन्न हो रही है, पहले जम्मू, अब हमने कश्मीर में देखा कि कुछ अनटॉवर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कैसे उनको डील किया जाएगा, क्या कुछ आपके पास? जी, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। अजय साहब, चूँकि ये सब का काफ़ी मेजर रोल रहा है पास्ट में बॉर्डर्स पे, हालांकि इस वक्त है, लेकिन जो इंसिडेंट्स हुए हैं क्या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है इन चीज़ों की, क्योंकि अब थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा है, हमेशा से ही देखा गया है कि विंटर से पहले थोड़ी कोशिश होती है, लेकिन हमारी एलसीपी सिक्योरिटी ग्रिड आर्मी के कोऑर्डिनेशन से बड़ी स्ट्रांग है एंड विल एंश्योर दैट इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको थ्रॉट करें। थैंक यू।